हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग बना रहे हैं सिंपल कंप्यूटर का कीबोर्ड। तो सबसे पहले हम एक बड़ी लाइन खींचेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि कितना लाइन बनाना है हमने। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 5 लाइन बनाना है। तो हमने 1-1 सेंटीमीटर का गैप पे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में एक उसके पैरेलल लाइन खींचेंगे। यहाँ पे हमने ये 5 सेंटीमीटर के गैप पे पैरेलल लाइन खींच दिया। उसके बाद हम यहाँ पे हर एक की को कीबोर्ड में हर एक की को हम 1-1 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाएंगे। तो हर एक सेंटीमीटर पे हम यहाँ पे दाग लगा रहे हैं। यहाँ पे 12, यहाँ पे हमारा 15 की बनेगा। 15 की बाद बीच में गैप आएगा थोड़ा सा, हाफ सेंटीमीटर का। तो सेम 1-1 सेंटीमीटर का बिंदु यहाँ पे देंगे। अभी सिंपल हम दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे। दोस्तों, इसको कभी भी सबसे पहले लाइट पेंसिल से करना है, और यहाँ पे मैंने मैकेनिकल पेंसिल यूज़ किया है जो बहुत ही लाइट है। सबसे पहले ज़्यादा डार्क पेंसिल यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पे हम फिर बड़ी लाइन जो भी है उसको भी एक एक सेंटीमीटर गैप में बिंदी लगाएंगे, और बाद में उन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाते हुए 1-1 सेंटीमीटर का एक हमारा स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे जो यहाँ पे एक स्क्वायर एक बटन का एरिया शो करेगा। यहाँ पे मैंने अभी जो लाइन खींचा है, एक्चुअली हर दो लाइन के बीच में तीसरा लाइन जो होता है उसके अपोजिट में होता है। जैसे कि फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन और लास्ट लाइन, तीन लाइन का जो की होता है आपस में पैरेलल होता है, और उसके बीच में दो लाइन है उसके की उसके बीच बीच में और आपस में पैरेलल होते हैं। आगे भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने जो साइड में की है उसमें हाफ सेंटीमीटर का गैप छोड़ा है, फिर उसके बाद एक एक सेंटीमीटर का लाइन खींचा है। तो यहाँ पे हमारा हो गया फर्स्ट रो। और ये सेकेंड रो। और ये हमारा हो गया थर्ड रो। और ये फोर्थ रो हो गया हमारा। ये तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट लाइन की और मिडिल की और लास्ट लाइन की जो की होता है आपस में पैरेलल होता है। और बाकी जो दो लाइन का की है ये आपस में पैरेलल होते हैं और इसके अपोजिट में होते हैं। हाफ सेंटीमीटर छोड़ के मैंने एक आउट में लाइन खींचा है जो कीबोर्ड का आउट लाइन है।
आप चाहें तो की में इसे कर सकते हैं, इससे थोड़ा की में उभार आएगा, और यदि चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। यहाँ पे की का नीचे और लेफ्ट साइड में थोड़ा डार्क करेंगे हम, जो कि थोड़ा सा उसमें हाईलाइट लाएगा और उभार लाएगा इसमें की को दिखाने में। सिर्फ लेफ्ट साइड और नीचे साइड में करना है, राइट साइड में डार्क नहीं करना है इसमें। और यहाँ पे हम जो की के बीच में है हल्का सा शेडिंग कर देंगे, जो थोड़ा सा डार्क करेंगे, जिससे कि हमारा की जो है उभर के सामने आएगा। और इस को हमने ब्लेंडिंग किया है, थोड़ा ब्लेंडिंग स्टेम्प से, और यहाँ पे जिस स्टेम्प से मैंने ब्लेंडिंग किया था उसी स्टेम्प से थोड़ा सा हम इसको की में उभार दे रहे हैं, लेफ्ट साइड से और नीचे साइड से लाइन खींचने से थोड़ा सा की में और उभार आ जाएगा। ये उसके बाद हम सिंपल इसमें जो भी नंबर्स हैं उसको हम लिखेंगे। यहाँ पे एरो होता है चारों साइड में, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, कैप्स लॉक, तो दोस्तों हमारा कीबोर्ड कुछ इस तरह से बर्तन बना है। यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।